सो लेट्स सी 13th, तो 13th का बच्चों का सी और डी में कंफ्यूजन है, करेक्ट आंसर है सी, ठीक है ना, द करेक्ट आंसर इज सी. एक बार मैं फिगर आप लोगों के लिए रिकॉल करने के लिए बना देता हूँ. फिगर वाज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ फिगर था आपके पास लास्ट टाइम जो हमने बनाया था. उसमें इसने बोला है कि दिस सरफेस इज बीन पेंटेड ब्लू, ठीक है ना, टू ऑफ द अपोजिट सरफेसेस हैव बीन पेंटेड ब्लू, टू एडजेसेंट सरफेसेस हैव बीन पेंटेड रेड. जो दो एडजेसेंट सरफेसेस है वो रेड पेंटेड है, तो मान लो ये एक रेड पेंटेड है और एक ये रेड पेंटेड है, दो एडजेसेंट, ठीक है. तो आपको उसने बोला है, और बोला क्या क्या है, जो बाकी की दो लेफ्ट ओवर सर्फेसेज है वो अनपेंटेड है, ठीक है. देखो, टू एडजेसेंट हैव बीन पेंटेड रेड, टू फेसेस हैव बीन पेंटेड ब्लू, एंड दीज आर टू अपोजिट, तो दो अपोजिट को ब्लू पेंट करा है, मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं ब्लू होगा. और जो अनपेंटेड है वो कौन सी है, एक मैंने नीचे वाली अनपेंटेड रखी है अनपेंटेड, और एक ये वाली मैंने अनपेंटेड रखी है. अब मुझे बताना है how many cubes will have at least red color on its surfaces? तो at least लाल कलर होगा, ऐसे कितने होंगे, ठीक है ना. तो at least red वाले, तो अगर आप थोड़ा सा observe करो तो कितने आ जाएंगे. पहले अगर आपने यहाँ पे observe करा तो ऊपर के block में 4x4 मतलब 16 आ जाएंगे. अब नीचे के block में जो ये वाला block है इसमें भी आप 16 सोच सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान देना बेटा, what the thing you have to take care is, यहाँ पे जो दोनों को कंबाइन कर रहे हैं ये वाले जो क्यूब्स हैं, ये दोनों में सेम है ना, तो आपने 16+16 तो गिन लिया, लेकिन ये 4 को आपने डबल गिन लिया, तो आपका आ जाएगा 32-4 which is 28 is the correct answer. Is it clear? चलिए 14th का आंसर बता देंगे बच्चे. 14th का आंसर क्या रहा है, 14th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है. How many cubes will have at least blue color on their surfaces? अब जो एटलीस्ट ब्लू कलर, एटलीस्ट ब्लू, अब बच्चे ऐसा बोलेंगे सर जैसा रेड में था वैसा ब्लू में होना चाहिए, नहीं बेटा दोनों में डिफरेंस है, ब्लू अपोजिट में है, तो ब्लू के केसेस में क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ गए मेरे पास. तो 14th का आंसर आ जाएगा डी. डी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गेटिंग द आंसर इज डी, क्योंकि 16 सामने वाली में आ जाएगा, 16 पीछे वाली में आ जाएगा, तो टोटल 32 हो जाएगा आपके लिए, सही है, क्लियर. तो नोट कर लो 32 इज द करेक्ट आंसर, सो डी इज द करेक्ट आंसर. इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी का नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं. एक सेकंड, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 15 नाउ. ये क्यूब को हम लेके चलते हैं आगे. सबको क्लियर है. नाउ लेट्स टेक 15th, जो इसी का क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है. 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15th क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द क्यूब्स विल हैव टू सर्फेसेस पेंटेड विथ रेड एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली. उसकी दो सर्फेसेस रेड और ब्लू कलर से पेंट की हुई होनी चाहिए. चलिए, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव टू सरफेसेस पेंटेड, उसकी दो सरफेसेस पेंटेड होनी चाहिए. सर ऑप्शंस क्या क्या नए दिख रहे हैं, ए और बी क्वेश्चन. 12, 24 और 30. हाउ मेनी ऑफ द क्यूब्स विल हैव ओनली टू सरफेसेस पेंटेड विद रेड एंड ब्लू कलर, लाल और ब्लू कलर से उसके सरफेसेस सिर्फ पेंटेड होनी चाहिए. ओनली टू हैज टू बी देयर, सिर्फ दो. ओके ओके, काफी बच्चों के मेरे पास 8 आ गए हैं, काफी के बच्चों के आंसर्स मेरे पास सी आ गया है, 24, काफी बच्चों का 12 आ रहा है. ओके ओके, तो चलिए आइडेंटिफाई करेंगे कौन से क्यूब्स ऐसे होंगे विल हैव टू सरफेसेस पेंटेड विद रेड एंड ब्लू कलर ओनली. लाल और ब्लू कलर सिर्फ होना चाहिए बेटा. तो लाल और ब्लू कलर कहाँ कहाँ पे होगा हम ऑब्जर्व कर लेते हैं. रेड और ब्लू कहाँ कहाँ पे होगा, तो अगर आप ऑब्जर्व करो रेड और ब्लू कहाँ कहाँ होगा, तो पहले तो आप ये 4 ले सकते हो. देखो ऐसा ब्लॉक बना हुआ है आपका, तो ये वाले जो 4 हो जाएंगे. ओके, ये 4 है और यहाँ पे आपके पास 4 है, ये जो इसके साथ कनेक्टेड है. तो अगर आप इनको देखो यहाँ पे, तो रेड और ब्लू कलर सिर्फ किन में है अवेलेबल,
तो अगर आप रेड और ब्लू कलर ऑब्जर्व करो, देखो इसके क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, ओनली टू सर्फेसेस पेंटेड विद रेड एंड ब्लू कलर, सिर्फ दो सर्फेसेस उसकी पेंटेड होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ दो सर्फेसेस उसकी पेंटेड होनी चाहिए। तो दो सर्फेसेस पेंटेड वाली कौन सी होगी बेटा? आप देखो ये वाला तो एक ले लोगे आप, यू विल बी कंसिडरिंग दिस, ये वाला कंसिडर करेंगे आप, नेक्स्ट ये वाला कंसिडर करेंगे आप, तो एक दो, अच्छा लेयर बाय लेयर करेंगे आप, यू वांट मी टू डू इट लेयर बाय लेयर? सर कैसे भी चल रहा है। देखो ये इजी क्वेश्चन है, इनको आप डायरेक्टली एनालिसिस कर सकते हो। लेयर वाला मेथड हम यूजुअली तब करते हैं जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट इफ यू स्टिल वांट टू डू इट बाय लेयर मेथड आप कर सकते हो डेफिनेटली। नहीं तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाली जो साइड बन रही है इसके साथ वाली, तो ये चार क्यूब यहाँ बनेंगे। अब अगर इसमें देखेंगे तो ये वाला जो चौथा है इसको नहीं लेना आपको, इसको इसलिए नहीं लेना क्योंकि इसकी तीन फेसेस पेंटेड है, अपने को तो दो वाला ही चाहिए, तो ये तीन आ जाएंगे, ओके, जिनके दो सर्फेसेस पेंटेड होंगे और वही तीन यहाँ क्लब्ड होंगे। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे भी ऐसे तीन मिल जाएंगे आपको, वो तीन हो जाएंगे। अच्छा यहाँ से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे तीन मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको ऐसे तीन मिल जाएंगे इस साइड पे, ठीक है? तो तीन तीन के चार पेयर आ गए, तीन तीन के चार आपके पास सेट्स आ जाएंगे, तो 3 4 12 आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर से समझा दूं क्या? समझ आ गया सबको? किसी को भी डाउट है बेटा? हम इन तीन की बात कर रहे हैं, ये तीन वाले होंगे। देखो बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थ्री, दिस दिस क्यूब एंड दिस क्यूब, दिस थ्री क्यूब्स ओनली। व्हाई दिस फोर्थ विल नॉट बी कंसीडर्ड? बिकॉज़ दिस इज हैविंग रेड ओवर हियर, this is having blue over here and this surface also having red, so there are three faces which are colored, same below you will have three, same over here now also if you see, dekho yahan pe kaun sa hoga, aisa teen hoga, 1 2 3, isi tarike se idhar bhi hoga 1 2 3, acha niche wala hai na uncolored tha aur idhar wala bhi uncolored tha, similarly idhar bhi aapko 1 2 3 aisa mil jayega, sahi hai, samajh aa raha hai? to 3 yahan pe mila, 3 यहाँ पे मिला, 3 यहाँ पे मिला और 3 यहाँ पे मिला आपको, ठीक है? तो 3 6 9 और 12 आपके पास आ जाएंगे, सही है? चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। 16 देख लो, चलो 16, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 3 सरफेसेस कलर्ड, कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनके 3 सरफेस कलर्ड होंगे? चलिए फटाफट बना लेंगे आप, 3 सरफेसेस कलर्ड, तीन सरफेस कलर्ड, एक रेड, एक रेड, ये ब्लू, पीछे वाला भी ब्लू, ये अनकलर्ड, ये भी अनकलर्ड, तो तीन सरफेसेस कलर्ड है, ऐसे कितने मिलेंगे आपको? चलिए बच्चों के आंसर्स आ गए मेरे पास, यस यस यस। देखो एक तो ये वाली क्यूब मिलेगी आपको जो तीनों साइड से कलर्ड होगी, ठीक है, दूसरी एक क्यूब आपको ये मिलेगी जो तीनों साइड से कलर्ड है, ठीक है? तो ऐसी दो ही क्यूब मिल रही है। देखो तीन कलर्ड वाली होती 8 है, मतलब आपके पास 8 कॉर्नर्स अवेलेबल है, बट ये वाली जो कॉर्नर यहाँ पे है, यहाँ पे एक अनकलर्ड है, ये वाली कॉर्नर जो है यहाँ पे भी एक अनकलर्ड है, नीचे भी पार्टिसिपेशन में एक अनकलर्ड है, दो अनकलर्ड है एक्चुअली यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक अनकलर्ड है, पीछे वाले में भी एक अनकलर्ड है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो सिर्फ ये वाला मिलेगा क्यूब का और एक ये वाला क्यूब मिलेगा। आई थिंक सो वेरी मच इजी, प्रीटी इजी, यस यस सर। सो द आंसर इज 2, इसका आराम से आंसर आप 2 बता सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 17 से 21 देख लो एक बार, क्या लिखा है? द आउटर बॉर्डर ऑफ द विड्थ 1 सेंटीमीटर ऑफ द क्यूब विद 5 इज पेंटेड येलो ऑन ईच साइड एंड द रिमेनिंग स्पेस एनक्लोज्ड बाय 1 सेंटीमीटर पाथ इज पेंटेड पिंक। The cube is cut into 125 smaller cubes of 1 centimeter. The smaller cubes so contained are now separated. चलिए एक बार फिगर बना लेंगे इसका, कैसा फिगर बनेगा? Yes, विजय आयुष का आंसर आ गया मेरे पास। चलिए एक बार मैं फिगर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, हाउ द क्वेश्चन इज हैविंग द डायग्राम। There's a cube, okay? Now the outer border of the width 1 centimeter of the cube with 5 centimeters painted yellow on each side. तो जो बाहर की width है वो 1 centimeter वाली, उसको उसने क्या करा है? Paint करा है yellow. अच्छा, तो पहले इस cube को आप cut करके बना लो,
तो जब आप क्यूब कट करके बनाओगे तो 1 सेंटीमीटर मतलब क्या हर जगह से 1-1-1 कट जाएगा। तो अगर हर जगह से 1-1-1 का बॉर्डर कटेगा तो आपके पास अच्छा कि वेव का रेज हैंड है। वेव क्या बोलना चाहते हो बताओ बेटा। वेव सर वो गलती से हो गया। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है 1 सेंटीमीटर जो है उसको उसने क्या करा है, उसको उसने येलो पेंट करा है, बाकी वालों को इसने पिंक पेंट पेंट कर दिया है। तो अच्छा 1 सेंटीमीटर यहाँ से अलग हो गया, 1 यहाँ से अलग हो गया, बाकी कितना बचेगा, 3-3-3 बचेगा। आई थिंक 5x5 का फिगर देखो बन गया ऊपर। अब जो पेंटिंग की ये बात कर रहा है येल्लो और पिंक, तो मैं आपको दिखा दूँ एक बार कैसे येल्लो बनाया इसने। ये वाला है जो फेस, ऐसा इसने 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर येल्लो में कलर किया हुआ, ये येल्लो कलर्ड है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये येल्लो कलर्ड है, यहाँ पे भी येल्लो कलर्ड है, ठीक है, ये येल्लो कलर्ड है पूरा का पूरा, ठीक है ना, यहाँ पे येल्लो कलर किया हुआ है। ओके, अब जो इसके बीच वाला सरफेस है उसमें इसने पिंक कलर किया हुआ है। तो अगर बीच की बात करें पिंक कलर कर रहा है, लेट्स डू इट पिंक। तो ये ऐसा फिगर बना हुआ है आपके पास, दिस इज व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन इज। ओके, तो अभी आप सर अनकलर्ड कौन से है? कुछ भी अनकलर्ड नहीं है बेटा, इसमें क्वेश्चन में अनकलर्ड लिखा ही नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जो विड्थ है दैट इज पेंटेड येलो एंड द रिमेनिंग इज एनक्लोज्ड बाय 1 सेंटीमीटर पाथ इज पेंटेड पिंक। ठीक है, दिस क्यूब इज नाउ कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स। सो 125 स्मॉलर क्यूब्स ने इसको कट किया है। सो हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ऑल द सरफेसेस अनकलर्ड, तो ऑल द सरफेस अनकलर्ड। तो बेटा ये 5x5 का क्यूब है, तो अनकलर्ड का डायरेक्ट फार्मूला है ना आपके पास, 5 - 2 का होल क्यूब 27 आ जाएंगे। Is it clear? N-2 का whole cube, the formula we have applied. Next, how many smaller cubes have the surfaces? Have the surfaces colored? तो कितने cubes हैं? Have 3 surfaces. यहाँ पे THEE लिखा है, ये 3 है आपका, ठीक है ना? How many of the cubes have 3 surfaces colored? ऐसे कितने cube हैं जिनके 3 surfaces colored हैं? तो ये भी आपको formula पता है, 3 surfaces colored. हमेशा 8 होते हैं, 8 कॉर्नर्स है, इसका आंसर आ जाएगा 8, मार्क कर लेते हैं इसको, 8 इज द आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट 2 सरफेसेस कलर्ड येलो, एटलीस्ट 2 येलो के कितने केसेस होंगे, एटलीस्ट 2 येलो, तो एटलीस्ट 2 येलो मतलब 2 येलो या 3 येलो, है ना, ऐसा भी हो सकता है 2 येलो या 3 येलो। तो 2 येलो और 3 येलो दोनों अगर अलग अलग निकालना चाहो वो निकाल लो आप। यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास आंसर्स आ गए हैं। हाउ मेनी ऑफ द क्यूब्स हैव एटलीस्ट 2 सरफेसेस कलर्ड, एटलीस्ट 2 सरफेस उसकी कलर्ड है, 2 येलो 3 येलो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक मेथड ये है, या दूसरा मेथड आप ये भी इम्प्लाई कर सकते हो टोटल माइनस। अच्छा ऐसा कोई होगा क्या जिसका एक सरफेस येलो कलर्ड होगा? एक भी ऐसा नहीं होगा जिसका सिर्फ एक येलो, ठीक है, क्या आपको ये पता चल रहा है? एक भी ऐसा नहीं होगा जिसका एक सरफेस येलो हो। यस सर, यस, सारी बॉर्डर में है, तो हर एक बॉर्डर जो होती है वो दूसरे वाले क्यूब के साथ कनेक्टेड ही होती है, तो एटलीस्ट 2 में तो होगा ही होगा कलर येलो, तो एक येलो वाला तो कोई केस ही नहीं बनेगा। तो टोटल माइनस अगर मैं पिंक वाले कर दूं, माइनस नो कलर्ड कर दूं अगर, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। टोटल क्यूब्स है इसके पास 125, उसमें से मैं पिंक घटा देता हूँ। अब पिंक निकालना बहुत आसान है, देखो यहाँ पे कितने 3x3 मतलब 9 पिंक हो जाएंगे, 9 पिंक कर दे, 9 पिंक, सही है। अब ऐसे 9 पिंक कितने फेस पे है, 6 फेसेस पे है ना, तो यहाँ पे भी एक पिंक, यहाँ भी एक पिंक, इसके पीछे एक पिंक, पीछे वाले में एक पिंक, नीचे वाले में एक पिंक। सो कैन आई से -9 × 6 = 54, माइनस एक भी कलर्ड कितने नहीं है, 27 हो जाएंगे। 125 माइनस ऑफ 54 माइनस ऑफ 27, तो क्या मैं इसका आंसर बता सकता हूँ, यहाँ से 81 कम हो जाएगा, तो 19 + 25 = 44 आ जाएगा। अब नोट कर ले आपका आंसर 44 आ जाएगा। सर इट में 27 क्यों माइनस, क्या नहीं समझ आया बेटा? नो कलर्ड, ये देखो मैं फिर से दिखा दूँ थोड़ा सा आपको, यहाँ पे अब दिखेगा, दिख रहा है, टोटल माइनस पिंक माइनस नो कलर्ड, सही है। तो नो कलर्ड वाले तो 27 है ना आपके पास, अभी पहले पहले क्वेश्चन में आप निकाल के आए हो ना, सही है ना? हाँ सर। सारे बच्चे नोट कर लो इसको, सारे बच्चे देख लें फटाफट फटाफट, आगे चलते हैं अपन। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
तो 19 हो गया आपका. अब 20th क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन फेस कलर्ड पिंक एंड एडजेसेंट फेस येलो. कितने ऐसे क्यूब हैं जिनका एक फेस पिंक है और एक येलो है. अभी मैंने आपको बताया एक पिंक और एक येलो, ऐसे कितने होंगे. तो भाई एक पिंक एक येलो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, या तो दोनों येलो या तो तीनों येलो या एक पिंक. आपके पास जो क्यूब है उसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, दो फेसेस येलो या तीन फेसेस येलो या एक फेस पिंक. ये तीन टाइप के क्यूब्स अवेलेबल है अंदर हमारे पास, इसके अलावा कुछ नहीं है. पर कितने फेस पिंक कलर्ड के होंगे और एक येलो के होंगे तो जीरो आ जाएगा आपका आंसर. ओके चलिए 21st में आ जाते हैं फटाफट फटाफट. 21st का आंसर बताइए, हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट वन फेस कलर्ड. कम से कम एक फेस कलर्ड होना ही चाहिए. बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए मेरे पास. How many of the cubes have at least one face colored? एक फेस कम से कम उनका कलर्ड होना ही चाहिए. देखो एटलीस्ट वन फेस कलर्ड का मतलब क्या है, टोटल माइनस नो फेस कलर्ड. अब टोटल अगर देखा जाए तो 125 है और एक भी कलर्ड नहीं है, वो कितने 27 है, तो बच कितने गए 98 बच गए ना. तो 98 ऐसे क्यूब्स हो जाएंगे जिनका एक तो फेस कलर्ड होगा ही होगा. नोट कर लें इसको आप. हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए लेट्स मूव ऑन. Let's take down next set of questions. Next set of question में क्या दिया हुआ है? आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लो आप. A cuboid of dimensions. अब ये cuboid है आपके पास. इसके dimensions क्या है? 6x4x1. And is painted black on both the surfaces of the dimension 4x1. Green on the dimension 6x4. And red on the surface of dimension 6x1. Now the block is divided into various small cubes and the small cubes who obtained are separated. एक बार फिगर बना लो आप लोग फटाफट फटाफट. पहले आपके पास बच्चों के आंसर्स आ गए मेरे पास. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आयुष का आंसर आ गया मेरे पास. चलिए सबने डेटा लिख लिया है. कैन आई मेक द फिगर नाउ? यस सर. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्यूबॉइड बना लेते हैं. लेट्स मेक अ क्यूबॉइड. यहाँ पे हमें क्यूबॉइड बना रहे हैं. अब क्वेश्चन में इसने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 6x4x1, 6/4/1. अच्छा 6x4x1. तो देखो अगर मैं इसको ऐसे कुछ बनाऊं, दो तीन चार पाँच छः, जैसे 6 का विड्थ उसका, 4 का हाइट बना लेते हैं और 1 का इसका ब्रेथ बना लेते हैं. तो 6x4x1 बन गया. आई थिंक सारे बच्चे देख पा रहे हैं इसको. यस यस सर. ये क्यूब बन गया आपके पास. Yes, so this is the cube you have. 6x4x1. अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है जो 4x1 वाला है वो ग्रीन से कलर्ड है और 6x4 जो है वो रेड से कलर्ड है. अच्छा 4x1 को पहले ग्रीन से कलर कर देते हैं. 4x1 कौन सा हो जाएगा? 4x1 आपका हो जाएगा ये वाला. 4x1 को उसने बोला ग्रीन से कलर करना है. So let's color 4x1 with green. ये ग्रीन कलर्ड है आपके पास. 6x4 इज ग्रीन कलर्ड दिख रहा है. ये ग्रीन कलर्ड है आपके पास.
नेक्स्ट उसने क्या बोला है, यू हैव 4x1 इज पेंटेड ब्लैक. अच्छा 4x1 अगर पेंटेड ब्लैक है तो ब्लैक को मैं थोड़ा इस कलर से दिखा रहा हूँ, दिस इज पेंटेड ब्लैक फॉर यू. नेक्स्ट उसने क्या बोला है आपको, उसने बोला है जो 6x1 है ना दैट सरफेस इज बीन पेंटेड रेड. 6x1 को उसने रेड रेड पेंट करा है, ये सरफेस आपके पास रेड हो जाएगी. ओके नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ऑल 3 कलर्स ब्लैक ग्रीन रेड एटलीस्ट वन ऑन ईच साइड. एटलीस्ट वन में कलर वाले कौन से हैं, ब्लैक ग्रीन और रेड वाले कौन से हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाले 4 corners आ जाएंगे इसके पास, ठीक है, जिसके ऊपर तीनों कलर्ड है तो 4 विल बी योर आंसर. अच्छा 4 इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है लेकिन, ठीक है ना, बट इसका सही आंसर 4 आ जाएगा, तो मार्क कर लेना आप इसका. सर जो बाकी के अनकलर्ड है क्या सर, क्या बोल रहे हो, बाकी के जो है बेटा उसमें sir, 3 अलग अलग कलर्स नहीं है सर, पर पीछे की साइड जो, हाँ सर बेटा पीछे की साइड, अरे पर वो 4x1 लिखा है तो दोनों 4x1 ब्लैक होंगे ना बेटा. ये देखो ये वाला आपका ब्लैक होगा, उसी तरीके से ये वाला आपका रेड होगा, उसी तरीके से पीछे वाला आपका ग्रीन होगा, लेकिन तीनों कलर कहाँ पे आएंगे, कॉर्नर पे तो तीनों कलर आ पाएंगे अलग अलग, समझ आ रहा है आपको. अगर आपने ये वाला ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने मान लो ये वाला ब्लॉक ले लिया, अब ये वाला ब्लॉक जो हमने सिलेक्ट किया इसमें अगर आप देखो तो ऊपर वाला रेड है, इधर वाला ग्रीन है और पीछे वाला भी ग्रीन है ना, तीन अलग अलग थोड़ी ना है. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ऑल 3 कलर्स दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा है, ठीक है ना. नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स विल बी फॉर्मड, टोटल कितने क्यूब्स बनेंगे, फटाफट मेरे पास आंसर्स भेज दो आप लोग. 24 अच्छा हाउ मेनी क्यूब्स विल बी फॉर्मड, 23rd क्वेश्चन है, 23rd का आंसर आ गया बच्चों का, यस मेरे पास बिल्कुल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. 6x4 तो 24 क्यूब्स बनेगा आपके पास, 6x4x1 24 क्यूब्स बनेगा मेरे पास. नेक्स्ट 24th क्वेश्चन का आंसर भेज दो मुझे फटाफट फटाफट. 24th क्वेश्चन बोल रहा है इफ द क्यूब्स हैव ओनली ब्लैक एज वेल एज ग्रीन कलर आर रिमूव्ड देन हाउ मेनी क्यूब्स विल बी लेफ्ट, मतलब टोटल माइनस ओनली ब्लैक एंड ग्रीन, टोटल माइनस ओनली ब्लैक एंड ग्रीन, तो ऐसे कितने होंगे जिनमें ब्लैक और ग्रीन होगा, ओनली ब्लैक और ग्रीन होगा, ओनली ब्लैक और ग्रीन वाले कितने होंगे. चलिए सारे बच्चों के आंसर आ जाएंगे मेरे पास फटाफट फटाफट. Having black as well as green colored are removed. So how many are left over? सिर्फ black और green वाले अगर आपने remove कर दिए. देखो इसमें बच्चों को थोड़ा सा confusion हो सकता है, ठीक है ना. इसका exactly अगर answer देखा जाए तो the answer has to be 20, ठीक है ना. लेकिन ध्यान से सुनना आप, लेकिन 20 should be the answer. लेकिन अगर आप ये कंसिडर करते हो इसने ब्लैक और ग्रीन वाले निकाल दिए, रेड भी इसने अलाउ कर दिया निकालने के लिए, तो आपका आंसर 16 मैच कर सकता है. लेकिन जो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, वो यही आएगा. ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन में इसने, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द क्यूब्स हैविंग ओनली ब्लैक एज वेल एज ग्रीन कलर, सिर्फ ब्लैक या ग्रीन वाले निकाले तो कितने निकलेंगे, 1, 2, 3 और 4, तो ऐसे 4 क्यूब निकल जाएंगे आपके ब्लैक और ग्रीन वाले. ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल 20 आ जाएगा. ओके, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, आप मार्क कर लो, 20 शुड बी द करेक्ट आंसर. ओके चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 25 नाउ. 25th क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट फटाफट. 25th क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव फोर, हाउ मेनी ऑफ द क्यूब्स विल हैव 4 कलर्ड साइड्स एंड 2 साइड्स विदाउट एनी कलर, इसकी 4 साइड्स कलर्ड होंगी, ऐसे कितने होंगे. भाई बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, 4 कॉर्नर हो जाएंगे, 4 कलर्ड वाले 4 कॉर्नर, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा, 25 का 4 इज द करेक्ट आंसर. लेट्स टेक डाउन क्वेश्चन नंबर 26 नाउ. 26 एक बार कर लो आप फटाफट फटाफट देख लो,
How many cubes will have two sides with green and the remaining sides without any color? जिनकी दो साइड ग्रीन है और बाकी अनकलर्ड है, ऐसे कितने होंगे? ऐसे कितने होंगे? तो आप पहचान सकते हो, ये वाले होंगे बीच के, देखो मैं अभी इनको कलर बदल रहा हूँ, इनका ब्लू कलर दिख रहा है, यही ऐसे होंगे जो सिर्फ ग्रीन कलर से कलर्ड होंगे, बाकी कोई इनके साथ कलर मैच नहीं होगा। अब यही ऐसे क्यूब्स है, इनका पीछे भी साइड वही है भाई, विड्थ एक का ही है, डबल विड्थ नहीं है, विड्थ एक का ही है, तो ये सिर्फ एक ही बोल सकते हो आप, लेयर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना? तो ऐसे आठ बन जाएंगे आपके पास, आठ। So we'll have eight cubes like this. Yes, I think so. It's very easy. हटा देते हैं इसको. Next question की तरफ चलते हैं. किसी को doubt है यहाँ तक तो please let me know. Probably last question. फिर हम cubes को conclude करेंगे. आपकी screen के सामने question दिया हुआ है. Some equal cubes are arranged in the form of a solid block as shown in the figure. All the visible surfaces of the cube are then painted. हमने क्या किया? इनकी सारी surfaces को paint कर दिया है. ठीक है ना, एक्सेप्ट द बॉटम, सिर्फ बॉटम को छोड़ के हमने बाकी सारे सरफेसेस को पेंट कर दिया है, ठीक है? तो ऐसी फिगर्स में आपको लेयर वाली मेथड है जो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है? आप मेरी बात मान लेना, इसमें लेयर मेथड से अगर हम करेंगे तो बहुत ही फटाफट फटाफट आंसर्स निकलेंगे। एक ही बार लेयर बनाना होता है और वो लेयर्स को आपको बार बार हर केसेस के अंदर विजुअलाइज आप कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं क्या लिखा है, some equal cubes are arranged in the form of a solid block as shown in the figure, adjust in the figure, theek hai? Now all the visible surfaces of the block except the bottom are painted, to jo bottom hata de uske alawa baki sab ko humne paint kiya hua hai, to wo question mein humse bol raha hai ki kitni, ab question shuru karne wale hain, dekho bottom ko usne paint nahi kiya, uske alawa isne sab ko paint kar diya hai, theek hai? तो पहली लेयर अगर मैं निकालता हूँ, तो पहली लेयर को अगर मैं यहाँ पे निकाल के साइड में कर दूं, देखो आप एक एक लेयर ड्रॉ कर लो, ठीक है, एक एक लेयर ड्रॉ कर लो, तो सारे सब क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। सो हाउ मेनी क्यूब्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द फेसेस पेंटेड, कितने हैं ऐसे जिसका एक भी पेंटेड नहीं होगा? तो लेयर वन का अगर मैं डायग्राम ओपन कर लू, तो लेयर वन कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। इफ यू एग्री विथ मी, फटाफट फटाफट लेयर बना लो। अब इसकी जो सरफेसेस पेंटेड है उसकी अगर हम बात करें तो कितनी सरफेसेस पेंटेड होगी, तो देखो बेटा इसकी जो है एक लाइन और बन जाएगी, ठीक है ना? ओके, यस। तो ये हमारे पास फिगर बना हुआ है, तो अगर मैं अब इसकी बात करूं, तो अगर हम ऑब्जर्व कर पाए तो यहाँ पे इसकी दो सरफेस पेंटेड है, इसकी भी दो सरफेसेस, और एक तीन सरफेस पेंट हो जाएगी, इसकी तीन सरफेसेस पेंट हो जाएगी, इसकी दो पेंट हो जाएगी, बताते जाना मुझे फटाफट फटाफट। इसकी भी दो सरफेस पेंट हो जाएगी, इसकी एक पेंट हो जाएगी, इसकी दो पेंट हो जाएगी, इसकी तीन सरफेसेस पेंट हो जाएगी, इसकी भी तीन, इसकी दो, इसकी ऊपर वाले की कितनी सरफेस पेंट हो जाएगी? दो, और इसकी सरफेसेस तीन पेंट हो जाएगी कॉर्नर की। ये लेयर वन डायग्राम बन गया। नेक्स्ट लेट्स कम टू लेयर टू। जब मैं लेयर टू इसका ये वाला बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना आप, एग्जैक्ट सेम फिगर बनेगा, एग्जैक्ट सेम फिगर। अच्छा, एग्जैक्ट सेम फिगर, लेकिन इसमें क्या होगा पता है, हर एक के अंदर जो लिखा हुआ था आपने वो एक एक कम कर देना आप, ठीक है? हर एक के अंदर जो लिखा हुआ है, दो मिनट लगेगा लेयर्स बनाने में, लेकिन एक बार अगर आपने लेयर बना लिया है उसके बाद तो मैथमेटिक्स से सिर्फ आपको काउंट ही करना है, ओके? अब अगर हम लेयर टू की बात करते हैं तो बहुत ध्यान से देखते जाओ आप, ये देखो यहाँ पे आपके पास जो पहले तीन वाला था वो दो हो गया है, जो यहाँ पे तीन वाला था वो दो हो गया है, जो दो वाला था वो एक एक में कन्वर्ट हो चुका है, बाकी ये वाला भी एक में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर की बात, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये वाला भी टू हो जाएगा, ये वाला वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, और ये टू हो जाएगा। आई थिंक लेयर टू इज डन, लेट्स कम टू लेयर थ्री। लेयर थ्री अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये पूरा, पर सर वो जीरो वाला तो विजिबल हो रहा है ना, फिर विजिबल हो रहा है बेटा, तुमको दिख ही नहीं रहा है वो, इसके वर्टिकल नीचे है सीधा सीधा, इसीलिए बोल रहा हूँ लेयर मेथड हम इसीलिए कर रहे हैं बेटा, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है वो क्वेश्चन में, वो क्यूब आपको दिखेगा ही नहीं, और अगर वो क्यूब नहीं दिखेगा तो पॉसिबिलिटी है कि आप मिस्टेक कर दोगे उसको देखने में, ठीक है? दो मिनट लगेगा पूरा, हम इतना फटाफट क्वेश्चन कर देंगे बिल्कुल पागल हो जाओगे आप लोग, सच बता रहा हूँ मैं। अब देखो इसके बाद वाले लेयर में जो है, इन चार क्यूब्स को छोड़ दो आप, इन चारों को छोड़ दो, बाकियों के बारे में आप कमेंट कर सकते हो, क्यों? एक एक लेयर और ये सेम कॉपी हो जाएगा, टू वन वन टू। अब यहाँ पे ध्यान दो, मुझे एक चीज बताओ, जब ये वाली लेयर ओपन थी तब दिख रही थी, लेकिन अब ओपन नहीं है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली लेयर अब ओपन नहीं है,
तो ये एक सरफेस हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट अब इसकी हम बात करते हैं, इसकी बगल वाले लेयर की बात करते हैं, ये वाला जो है फेस, इसके बारे में क्या बोल सकते हो आप? देखो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, हम ये लेयर में आ चुके हैं अभी, इस लेयर के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अगर ये वाला सरफेस देखे तो इसके दो थे, ये वाला एक था, अब इसके कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, तो यहाँ मार्क कर लो दो आप। इधर कितने हो जाएंगे? इसके तीन हो जाएंगे क्योंकि कॉर्नर बना हुआ है। नेक्स्ट इसके यहाँ वाले की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट वाला जो है ये, इसकी एक फेस दिख रही है आपको, तो आप एक मार्क कर लो। इसकी कितनी दिख रही है? दो दिख रही है, तो दो मार्क कर लो। नेक्स्ट इसके पीछे वाला जो ये वाला है, इसका तो एक ही फेस दिख रहा है, एक आ जाएगा, इसका दो आ जाएगा, कॉर्नर बना हुआ है। नेक्स्ट अगर अब हम इसकी बात करें, चलो और बाकी कौन से दिख रहे हैं? देखो ये दो लिखा, उसके पीछे आपने ये एक लिख दिया, उसके ठीक है ना, दो लिखा उसके पीछे आपने एक लिख दिया, उसके बाद वाला जीरो, उसके बाद वाला दिख रहा है क्या? बिल्कुल, उसका एक ही फेस दिखेगा। नेक्स्ट इधर हम बात करते हैं, तो इसका एक फेस जो दिख रहा था वही दिखेगा, यहाँ पे जीरो था और यहाँ पे भी जीरो था। थर्ड लेयर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, चौथे लेयर में आ जाइए आप लोग मेरे साथ। चौथे लेयर में हम बात कर रहे हैं, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ लेयर। अब फोर्थ लेयर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो फोर्थ लेयर में अगर आप ऑब्जर्व करो, 2 1 1, और ये तो जैसे हमेशा चलता है बेटा, ये पैटर्न हमेशा ऐसे ही चलता है, 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0। अब पांचवे और लास्ट लेयर की हम बात कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना, लास्ट लेयर जो था उसमें नीचे वाली सरफेस तो पेंटेड थी ही नहीं, नीचे वाली सरफेस तो पेंटेड थी नहीं आपकी। अगर नीचे वाली सरफेस पेंटेड नहीं है तो अब इसकी कितने फेस कलर पेंट हो जाएंगे? दो फेसेस हो जाएंगे, दो, एक एक दो। नेक्स्ट अब हम और क्या क्या बोल सकते हैं, इसका फेस कितना पेंट हो जाएगा? एक था तो अब हो जाएगा जीरो, दो था तो हो जाएगा एक, एक दो, दो एक एक, ये वाला हो जाएगा एक एक, और ये जो थे जीरो 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 और जीरो। पांचों लेयर हमने सक्सेसफुली बना ली है, अब करना कुछ नहीं है, बस मैथमेटिकली आंसर निकालना है। हाउ मेनी क्यूब्स, क्या ये स्टेप सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? सारे बच्चे मेरे साथ हैं यहाँ तक? सर एक बार थर्ड लेयर वापस समझा दो। अच्छा देखो दीप, थर्ड लेयर में क्या हो रहा है, इन लेयर थ्री अगर आप ऑब्जर्व करो, इस लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, इस लेयर की बात हो रही है, अगर इस लेयर में ऑब्जर्व करो तो देखो दिख रहा है ना कितने कितने फेस है इसके। सामने से शुरू करते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर देखो तो टू, फिर वन, फिर टू और फिर थ्री फेसेस है, तो वही लिखा है 2 1 2 3। उसके पीछे अगर आप जाओगे तो उसके पीछे वाले का तो एक ही फेस दिखता है, तो वो एक लिखा है, उसके पीछे वाले का तो कोई फेस नहीं दिखता, तो वो जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके बगल में जो है, उसके बगल में ये वाला आएगा बेटा, ये वाला, उसका एक फेस लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है एक फेस लिखा है, उसके बगल वाले का ये टॉप दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, दिस इज फेस एंड दिस फेस इज सीन, ये दो फेस दिख रहा है उसका, इसलिए उसके लिए हमने टू लिखा है, और उसके पीछे ये वन लिखा हुआ है, उसके पीछे ये टू आ जाएगा, सही है, तो वो टू लिखा है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। वो तो कहीं भी नहीं दिख रहा है ना, ये क्यूब और ये क्यूब दिख रहा है, ये क्यूब और ये क्यूब के पीछे ये वाला क्यूब, इसके नीचे यहाँ पे भी तो वो क्यूब होगा अंदर। चलिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, हाउ मेनी क्यूब्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द फेसेस पेंटेड, एक भी फेस पेंटेड नहीं है, तो लेयर वन से कोई नहीं निकला, लेयर टू में से एक निकला है, लेयर थ्री में से तीन निकले हैं, लेयर फोर में से चार निकले, लेयर पांच में से चार, तो 8, 11 और 12 नोट कर लो फटाफट, अब हम करने वाले हैं, एक मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे, 27th का आंसर डी आ जाएगा आपके पास। 28th आ जाओ, हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन फेस पेंटेड, बेटा वन फेस पेंटेड निकाल रहे हैं अभी हम, वन फेस, सिर्फ मैथमेटिक्स करना है अभी, तो बचा ही नहीं कुछ देखने के लिए, वन फेस पेंटेड, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा इस केसेस में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अच्छा वन फेस पेंटेड 7 आ रहे हैं, देखो यहाँ पे 7 आ रहे हैं ना, 2 4 5 1 2 3, अच्छा देखो यहाँ पे 2 4 और 2 6 और लास्ट में 1 7 आ रहा है, ओके। नेक्स्ट थर्ड वाले में कितने आ रहे हैं? 8 सिमेट्री से, इसमें भी 8, तो 16 22 29 एंड 30, नोट कर लो 30 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 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 29 देख लेते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू फेसेस पेंटेड, तो टू फेस पेंटेड वाले हम निकालना चाह रहे हैं, टू फेस पेंटेड, अब देखो यहाँ पे कितने टू फेस वाले, यू विल हैव टू
3, 4, 5 and 6. 6 are there, which are two faces painted. Second layer mein 2, 3, 4, 5. So there are 5. Third layer mein 1, 2, 3, 4, 5. Next, fourth layer mein 1, 2, 3, 4. Again, 1, 2, 3, 4. Is it clear? So aap total kar lo, 8 plus 10, 18 and 6, 24. I think 24 sab bachcho ka answer aa gaya mere saath. Sir. Let's go for the last question and then we'll conclude the class. Last question. How many cubes have only three faces painted, beta? Three face painted wale kitne hain? यहाँ पे दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4 चार ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे देखो पहली लेयर में कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 पांच है बेटा पांच है पहली लेयर में पांच है दूसरी लेयर में कोई है क्या नहीं है तीसरी लेयर में एक टोटल कितने आ गए छह आ गए तो नोट कर लो 6 इज द करेक्ट आंसर इज इट क्लियर अब आपने सही किया है या नहीं किया है अगर आपको उसको वेरीफाई भी करना है तो टोटल जो नंबर आ रहा है आपका नो फेस पेंटेड वन फेस पेंटेड टू फेस पेंटेड थ्री फेस पेंटेड इन सबको जब आप ऐड कर लोगे तो ये अगर आप ऑब्जर्व करो तो कितने क्यूब है कितने वाला क्यूब है ये 5 × 4 5 देखो ये इसकी 4 इसकी विड्थ 4 इसकी लेंथ और 5 इसकी हाइट है अगर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स में निकालता हूं तो टोटल 80 क्यूब्स आने चाहिए तो क्या टोटल आपका 80 आ रहा है देख लो टोटल क्या आपका 80 आ रहा है फर्स्ट वाले में आपका आंसर 12 आ रहा था दूसरे वाले के अंदर आपका आंसर 30 आ रहा था तीसरे वाले के अंदर आपका आंसर 24 आ रहा था फोर्थ वाले के अंदर आपका आंसर 6 आ रहा था है ना यही आ रहा था हाउ मेनी डू नॉट हैव एनी ऑफ द फेसेस पेंटेड हाउ मेनी ऑफ द क्यूब्स हैव वन फेस पेंटेड हाउ मेनी ऑफ द क्यूब्स हैव ओनली टू फेसेस पेंटेड हैव ओनली थ्री फेसेस पेंटेड यस यही आ रहा था ना यस सर ठीक है तो सर हो गया ना 72 सही है टोटल क्यूब 72 होंगे ना 80 कहां से होंगे हां सर 72 ओ सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आपके पास कितने आ जाएंगे 72 आ जाएंगे ठीक है ना सही है तो बस आप लोग जाइए फटाफट फटाफट 4 * 4 तो 80 होता है नहीं 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 बेटा देखो बाय सर ऑब्जर्व करें यस 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 बेटा बाय बाय देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स अगर आपको निकालना है तो यहां पे कितने क्यूब्स है आपके पास 8 10 और 12 क्यूब पहले लेयर में दूसरे लेयर में कितने हैं 12 आपका टोटल तो 80 आता लेकिन ये 4/4 का निकल गया ना यहाँ से दिस इज आल्सो रिमूव्ड नो यस और नो बेटा तो -2 × 2 × 2 का क्यूब निकला हुआ है तो आपके पास टोटल 72 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे इसने 8 क्यूब निकाला हुआ है इज इट क्लियर यस ठीक है yes. तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं थैंक यू फॉर बीइंग देयर बाय बाय टेक केयर बेटा क्यूब्स वी हैव फिनिश्ड